मेरा नाम अनुपम खेर है। लता मंगेशकर लाइव इन कॉन्सर्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लता जी क्वीन ऑफ मेलोडीज हैं और उनका स्वागत करने के लिए हमें उन्हें उनके बराबर की टक्कर का कोई चाहिए, और वो कौन हो सकता है सिवाय खुद अभिनय सम्राट के। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर दिलीप कुमार। नमस्कार, आदाब। मेरा मनसब है आज के लिए जो ड्यूटी मुझे दी गई है वो खुद अपनी ही छोटी बहन का मैं स्वागत करूं, उसको बुलाऊं। वो लता मंगेशकर जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसकी तबीयत के हर पहलू को जानता हूं, आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। दुनिया क्या जानती है, हर दिल में बसी हुई है वो। उसका स्वागत कैसे किया जाए वो आसान भी है कि मैं सीधी तरह से कहूं कि लता आ जाओ, तुम्हें बुला हुआ आ गया है, और आके इस महफिल की तुम शमा रोशन करो। यहाँ मुश्किल इसलिए है कि मुनासिब इस्तकबाल करना, विच विल बी फिटिंग टू द स्टेचर ऑफ दैट ग्रेट आर्टिस्ट जिसका नाम, जिसकी इज्जत, जिसका मान, जिसका वक़ार सिर्फ हिंदुस्तान का ही वक़ार नहीं है, म्यूज़िक का वक़ार है, इंसानियत का वक़ार है, एंड इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड। वो हिंदुस्तान में भी है, इंग्लिस्तान में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, अमेरिका में भी है, सारी जगह पर है। वो नाम उस हर दिल अजीज आर्टिस्ट का जो ऐसी हम तमाम अनगिनत लोगों के दिलों में आकर बसी हुई है, ऐसी बसी हुई है कि वो हटने का नाम ही नहीं लेती, ना कोई उसको हटा सकता है। मालूम होता है कि वो हमारे दिल की साख्त की एक मुस्तकिल चीज़ है, एक मुस्तकिल जेवर है, एक मुस्तकिल सजावट है, एक रोशनी है। मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि हम दोनों ने तकरीबन अपना कैरियर एक ही साथ एक ही जगह शुरू किया, फिल्मिस्तान में हम लोग बैठ के चाय पीते थे साथ में, मामूली सा खाना खाते थे, क्योंकि पैसे थोड़े मिलते थे इसलिए खर्चा भी कम करते थे। आज वो आफाक आलम एक चांदनी की तरह मालूम होता है, जिसकी किरणें उस चांद की जगमगाती हुई चांदनी, उसकी किरणें उसके अंदर बसी हुई हैं। मैं लता जी को इसलिए दावत दूंगा ये हाशिया बांधने के बाद कि लता जी तशरीफ लाएं आप और इस महफिल की बागडोर अब आप संभालें। लता मंगेशकर, खूब जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। Thank you.
Thank you.